एक बार एक आदमी बस स्टैंड पर खड़ा घनी बार का चाबी से अपना कान खुजान लाग रहा था और झंडू उसने बड़ी गौर से देखने लाग रहा था। जब झंडू तो नहीं डटा गया तो दौरे जाके बोला, ला भाई साहब जे तू स्टार्ट ना होता हो तो धक्का मार दू। एक बार दो सहेली घने दिनों में मिली। एक सहेली दूसरी सहेली से बोली, बेबे तेरा राजू गुठा चूसा करता, तन उसका गुठा चूसना क्यों कर छुटाया? बोले कुछ ना बेबे, बस उसकी निकर ढीली सीम दी, ये वो उससे न पकड़े रहे। एक बार झंडू की घराली मेकअप करने लाग रही थी। झंडू उससे बोला, बागवान मेकअप करके आज कित जाने की तैयारी कर रही है? झंडू की घराली बोली, आत्महत्या करण। फिर झंडू ने बोला, जब आत्महत्या करनी से तो इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? पढ़ते झंडू की घराली बोली, लिखा अखबार में फोटो नहीं आओगी। एक बार झंडू की घराली झंडू तक शिकायत करते हुए बोली, तू मेरे ते शादी ते पहले बहुत प्यार करया करता, पर शादी के बाद तू बदल गया। पढ़ते झंडू बोलिया, मन तो तेरे ती पहला बता दिया था कि शादी शुदा औरता में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं से। एक बार झंडू टीवी देखते हुए अपनी घराली से बोलिया कि मैं चाला चैनल लगा दे। झंडू की घराली बोली, ना लगाती, बोल क्या करेगा? पढ़ते झंडू बोलिया, ला देख लूंगा। घराली छोम आके बोली, के देख लेगा? मतलब वो है चैनल जो तू देखेगी। एक बार झंडू खाना खाते हुए अपनी घराली से बोलिया, मतलब मन ने लग गया आज खाना सासू माँ ने बनाया से। पत्नी बोली, हाँ पर तन्ने की उकर बेरा पाट्या। पढ़ते झंडू बोलिया, और दिन खाने में काला बाल लिकड़िया करता, आज धोला लिकड़िया है। एक बार झंडू की घराली झंडू ते बोली, इब कह मैं तेरे जन्मदिन पे तने के गिफ्ट दूं? झंडू बोलिया, तू मेरे ते प्यार ते बोल लिया कर, मेरी इज्जत कर लिया कर, बस मेरे खाते तेरा यो ए गिफ्ट से। पढ़ते झंडू की घराली बोली, लीना ना मैं तो गिफ्ट दूंगी। एक बार झंडू की छाती में दर्द हो गया। वो अपनी घराली से बोलिया कि मेरा छाती में बहुत कसुत्ता दर्द हो रहा है, तू एम्बुलेंस ने फोन कर दे। उसकी घराली बोली, हाँ हाँ इब्बे करूँ सू, ले अपने मोबाइल का पासवर्ड बता। पढ़ते झंडू बोला, रान दे मैं तो ठीक हो गया। एक बार झंडू की घराली झंडू ता बोली, तने बेरास है, मैं तने जान क्यों कया करूं? झंडू बोला, ना मन ने तो ना बेरा बतावे ने। पढ़ते झंडू की घराली बोली, ला जानवर घना लंबा हो जासे, जा मारे मैं तने जान कया करूं। एक बार झंडू अपने दोस्त ते बोलिया, यार परसों मेरी घराली कुएं में गिर गई और उसका घनी चोट लग गई, बहुत जोर जोर तक चिल्ला रही थी। उसका दोस्त बोला, भाई यह तो बहुत बुंडी बनी, पर ईव किसी से? पढ़ते झंडू बोला, भाई बेरा नहीं, काल तो इब तक कोई आवाज तो आई नहीं कुएं में ते। एक बार झंडू डॉक्टर दौरे जाकर न्यू बोलिया, ला डॉक्टर साहब मेरे तो एक अजीब सी बीमारी होगी, जिम मेरी घराली बोल रहे से ने मन कुछ सुनाई नहीं देता। पढ़ते डॉक्टर बोलिया, ला बावले या तेरे बीमारी को ना भगवान की नेमत से नेमत। एक बार एक मास्टर क्लास में पढ़ाने लग रहा था और बच्चे शोर मचाने लग रहे थे। उड़े तो एक मास्टर लिकड़ा था, वो पहले मास्टर से बोलिया, बोला मास्टर जी ये बालक इतना शोर मचाने लग रहे, आप तो डरते कौन है? पढ़ते पहला मास्टर बोला, मैं फिर इन तक डरूस हूँ।